भव बंधुओं, महावीर स्वामी के शासन काल में ब्राजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा। भव बंधुओं, आज फिर हम उस माँ जिनवाणी को सुन रहे हैं जिसे आचार्य कुलभद्र स्वामी ने सार समुच्चय ग्रंथ में लिखा है कि ज्ञान भाव नया जीवो लभते हित मात्मना, विनयाचार संपन्नो विषयेषु परान्मुख। विनयाचार से संपन्न, जो जीव विनयाचार से संपन्न है वह पंचेंद्रियों के सुख को से पंचेंद्रियों के सुख से परान विषय सुखों से परान्मुख होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। ये वो जिनवाणी है जिसे सुनकर अभद्र समंतबद्ध हो जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि जिनवाणी का वाचन हो और अभद्र सुने वो समंतबद्ध ना हो सके। ऐसा हमें पहले से भी ज्ञात है। जिनवाणी माँ सुनको जिनवाणी माँ का वाचन सुनकर अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। आपको पता नहीं, कल आप कह रहे थे कि हमारे बाबा को आपने भाई को बाबा बना दिया। अरे बाबा क्या, ये तो बैरागी बन गए, तुम्हें पता ही नहीं। ये तो बैरागी बन गए, तुम्हें पता नहीं। सत्येंद्र साहू जी, साहूला जी, आपको पता नहीं आप भी कितने ऊंचे पहुंच गए। यदि ऐसी प्रज्ञा और ऐसा सुरीला कंठ किसी और का होता वो आज वहां नहीं यहां होता। जैसी प्रज्ञा आपके अंदर है, यदि यही प्रज्ञा सम्यक दृष्टि तो है ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानता और वो यहां बैठा है, ऐसा हो सकता है? अपने आप को कभी ऐसा मत सोचना कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। हम सम्यक दृष्टि हैं जब तो जिन देव शास्त्र गुरु की शरण में बैठी हैं, जहां एक एक बूंद जैसे कोरा घड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सकोरा। यदि सकोरा में एक बूंद डालो और वो दिखती नहीं, क्या वो बूंद कहीं चली गई? नहीं गई, उसी में है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रही है। लेकिन बूंदें डलती 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो घड़ा लबालब भर जाएगा। आचार्य श्री की ऐसी प्रज्ञा कि उनको पढ़ाने में ऐसा लगता कोई भी आ जाए, कितना ही ज्ञानी आ जाए चाहे कितना ही अज्ञानी आ जाए, उसको ऐसे पढ़ाते हैं, एक एक सूत्र पढ़ाते हैं कि आज एक एक सूत्र पढ़ा करके उनने इतना पढ़ा दिया कि आज हम यहां आके आपको सुना रहे हैं। उनकी ऐसी वात्सल भावना, ऐसी शिष्यों के प्रति, सभी के प्रति, जीवों के प्रति ऐसी भावना रहती है कि सब ज्ञानी बने, सब ज्ञानी बने, सबको अच्छा सुनाते हैं। ऐसे ही माँ, ये तो अपन ने की कि हम भी धर्म करते हैं। आचार्य श्री यही बात तो कह रहे हैं कि ध्यान, तुमने धर्म तो किया, ध्यान तो किया, धर्म करो, धर्म ध्यान करो, लेकिन शुक्ल ध्यान का लक्ष्य रखो और अब आत्रोद भावना से अपनी आत्मा की रक्षा करो। ये ध्यान है, और ध्यान तो किया हमने लेकिन ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किसका किया। ध्यान तो किया लेकिन ध्यान नहीं दिया, ध्यान किसका किया? यदि धर्म ध्यान किया और शुक्ल ध्यान नहीं किया, ये तो मोक्ष के कारण है लेकिन आत्रोद ध्यान जे बंधे के कारण है। तो हमें यही समझना है, जैसे माँ आपको गेहूं बीनने के भाव कहां से आए, जैसे गेहूं बीनती हो आप और
कंकड़ अलग करती हो और गेहूं अलग करती हो, यदि कंकड़ सहित गेहूं पिस जाए तो फिर क्या होगा? किस किस आएगा ना, किस किस आएगा? ऐसे ही माँ, यदि रोटी बन गई तो वो रोटी तो बन जाएगी लेकिन पेट नहीं भर पाएगा। पेट भरने के लिए तो बिना कंकड़ की रोटी ही खाना पड़ेगी। ऐसे ही हमने साधना तो की लेकिन हमारे जो भाव थे कंकड़ रहित थे, सहित थे, वे कंकड़ रहित नहीं हो पाए तो साधना भी उन मुनियों की किस किस आती है। ऐसे ही आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट उपदेश ग्रंथ में लिख रहे हैं, इतिश चिंतामणि दिव्यता पिंडाक खंड ध्याने चेदु लब्धे क्वा इंद्रिया विवेकना। यदि एक ध्यान से एक ओर चिंतामणि रत्न है और दूसरे तरफ खली के टुकड़े हैं, दोनों ध्यान से प्राप्त होने वाले हैं, तो कौन विवेकी होगा कि उन खली के टुकड़ों का आदर करेगा? विवेकी जन तो चिंतामणि रत्न के ही आदर करेगा। ऐसे ही हमें उस माँ जिनवाणी को ध्यान से सुनना है जिनसे हमें मुक्ति को प्राप्त करना। वस्तुत महाकाव्य की अब कविता सुनाते हैं और फिर हम अपना विराम लेते हैं कि धर्म पूजा निमित्त प्राणीबद्ध हिंसा नहीं। धर्म पूजा निमित्त प्राणीबद्ध हिंसा नहीं, ऐसा मूल लोक में है, ऐसा मूल कहते लोक में स्वप्रज्ञा से विचार। स्वप्रज्ञा से विचार जहाँ प्राणीबद्ध बाह्य धर्म, वहाँ धर्म कहाँ, पूज्यता कहाँ। अधर्मी की मायावी वचनों में आकर मत कर देना किसी जीव का वध। दोनों निमित्तों से किया गया प्राणीवध हिंसा भी है, क्रूरता भी है। दोनों निमित्तों से किया गया वध हिंसा भी है, क्रूरता भी है। नहीं मानवता, धार्मिकता, पूज्यता। भैंस बकरा, भैंसा बकरी, ऊंट हाथी, घोड़ा पशु, पक्षी पशु गणों का वध नहीं कर देना, वध नहीं कर देना। धर्म अहिंसा बता देना, धर्म अहिंसा बता देना। यह आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने वस्तुत महाकाव्य में लिखा है, उन मूल प्राणियों के लिए। और जो प्रज्ञावान है उन्हें यही उपदेश कहा है कि हिंसा को बचाओ। अभी यही बात ऊपर हमारे स्वाध्याय में चल रही थी कि 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। उनमें भी यदि भाव प्रधान है तो हिंसा है। अब प्रसंग चल रहा है किसका? राम कथा का। और राम कथा में हमने श्रवण कर लिया तीसरा वेद। वेद तीन होते हैं कि चार होते? इतना तो गुरु ने पढ़ाया है कि चार वेद वो होते हैं, लेकिन यहाँ तीन वेद की बात हो रही है। हाँ, आज तीसरे वेद की बात करेंगे। तो एक हमने लिखा है, थोड़ा वो बता दें फिर, कि राजगृही के जन थे वे राजन, राजगृही के जन थे वे राजन, विपला पर्वत पर जहाँ जिन पर बैठे थे ऊंचे आसन। विपला चल पर्वत पर जहाँ जिन पर बैठे थे ऊंचे आसन, समोसरण था मनमोहन, सुरभिक्ष था सोयोजन। सुरभिक्ष था नहीं सोयोजन, सबकी हितहारी। राजा सैनिक ने प्रश्न करे बड़े भारी, राजा सैनिक ने प्रश्न करे बड़े भारी। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।